अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखो, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था, एक फॉर्मूला था ए टू द पावर एम और टू द पावर एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम इन टू एन, हम लोग को पता है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज करेंगे कैसे, चेक करो यहाँ पे एक्स टू द पावर ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी इन टू एक्स टू द पावर बी प्लस सी इन टू बी माइनस सी इन टू एक्स टू द पावर सी प्लस ए इन टू सी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो बी प्लस सी बी माइनस सी, तो बी प्लस सी बी माइनस सी तो क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है सी प्लस ए इन टू सी माइनस ए, तो ये क्या हो जाता है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन टू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जैसे कि जो फॉर्मूला है वो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बेसिस अगर सेम रहता है तो पावर्स आर एडेड, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है इसका बैठ गया, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब हम लोग के पास फॉर्मूला था ना कि ए टू द पावर टू इन टू बी टू द पावर नहीं, ए टू द पावर टू इन टू ए टू द पावर थ्री अगर होता है तो वो क्या हो जाता है ए टू द पावर टू प्लस थ्री, दैट मीन्स ए टू द पावर फाइव, ये जो था हम लोग के पास फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे सारा का सारा कट हो जाएगा, देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स टू द पावर जीरो दैट मीन्स वन। यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, जब प्लस माइनस के टाइम होगा, प्लस माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम, सारा का सारा काटाकुटी हो गया तो वहाँ पे आंसर जीरो होगा, और मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन के टाइम, ठीक है, यहाँ पे अगर सारा का सारा काटाकुटी हो जाता है तो वहाँ पे आंसर वन होता है, ये याद रखना। मान लो कि टू बाई टू काटाकुटी करके आंसर होता है वन, लेकिन प्लस टू माइनस टू यहाँ पे क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स पार्ट वन, यहाँ पे सिक्स पार्ट वन क्या हो जाएगा, रूट ओवर, रूट ओवर यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे एक्स टू द पावर ट्वेंटी, एक्स टू द पावर ट्वेंटी वाई टू द पावर माइनस टेन एंड z टू द पावर फाइव। ठीक, इसके बाद डिवाइड करके यहाँ पे क्या है देखो, x क्यूब डिवाइडेड बाय y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला था हम लोग के पास, वो याद करो, फॉर्मूला क्या था a टू द पावर हाफ, दैट मीन्स क्या हो जाता है रूट ओवर a, सिमिलरली इसी का उल्टा, तो मतलब हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे अगर n रहता है यहाँ पे अगर a, तो अल्टीमेटली आंसर होता है ये जो था हम लोग का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो हम लिखवाया था वो वाला चेक करो। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखवाया था वो वाला फॉर्मूला चेक करो, ये था हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, x टू द पावर 20 y टू द पावर माइनस 10 इनटू z टू द पावर 5 होल टू द पावर 1 बाय 5, क्या ये हो सकता है, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, वो सिमिलर सम हम लोग किया था, जैसे कि यहाँ पे देखो x टू द पावर 20 इनटू 1 बाय 5 इनटू y टू द पावर माइनस 10 इनटू 1 बाय 5 इनटू z टू द पावर 5 इनटू 1 बाय 5। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके x क्यूब बाय y क्यूब है, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन में अगर ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ कि ना, जरूर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 4 द 20, यहाँ पे 5 2 द 10, यहाँ पे 5 5 कैंसिल आउट करो, यहाँ पे कुछ नहीं करा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गया, x टू द पावर 4 इनटू y टू द पावर माइनस 2 इनटू z टू द पावर 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, y क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब। अब देखो यहाँ पे नीचे x क्यूब है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा देखो, x टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू y टू द पावर, ये दोनों फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो y टू द पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू z, मतलब यहाँ पे क्या किया, बहुत ध्यान से देखो, ये x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 था, तो डिवीजन के टाइम क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और मल्टीप्लीकेशन था y y मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन के टाइम एडेड अप हो जाता है। ठीक,
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4-3 1 हो जाता है, वाई टू द पावर बड़ा का साइन बैठेगा तो +1 इनटू जेड, तो आंसर विल बी एक्स वाई जेड, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? इसको एक और बार समझ लो, यहाँ पे क्या था, रूट ओवर ये था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूला के बेसिस में, ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग क्या किए, ये 2 द पावर 1/5 कर दिया। अब 2 द पावर 1/5 करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला था ना, हम लोग अभी अभी यूज किए, ए टू द पावर एम इंटू एन, तो ए टू द पावर एम एन हो जाता है ना, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या किए, 20 × 1/5 फिर इंटू y to the power -10 × 1/5 into z to the power 5 × 1/5 जो था मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या किए, ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल के इसका रेसिप्रोकल पुट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जितना सारा काटाकुटी होता था ये काटाकुटी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, जो काटाकुटी होने के बाद जो बचा बचा नंबर्स है वो यहाँ पे पुट किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये एक्स टू द पावर 4x³। ठीक है, ये डिवीजन में था, सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में है, ये नीचे है तो इसके नीचे हम ला ही सकते थे, ये दोनों का काम करवाया मैंने, तो 4-3 y to the power -2 and y to the power 3, तो -2 + 3 हो गया। यहाँ पे z to the power 1 है तो z बैठ गया और कुछ है नहीं, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके आंसर आया xyz। चल नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 part 2। देखो यहाँ पे क्या होगा, 256 डिवाइडेड बाय 81, यहाँ पे a to the power 16 है, यहाँ पे b to the power 4 है, इसका होल -3/4 है। अब देखो यहाँ पे सारा का सारा हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना, तो पहले ये जो है -3/4 है यहाँ पे, तो इसको प्लस में बदलने के लिए इसको रेसिप्रोकल बना लो, तो 81 b to the power 4 डिवाइडेड बाय 256 a to the power 16, इसका होल टू द पावर 3/4 कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये जो सब्ट्रैक्शन था मतलब -3/4 था वो पॉजिटिव में बदल गया, तो सम क्या हो गया, इजी हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 81 b to the power 4 है, तो 81 के साथ इसको अलग अलग कर लो, तो सम इजी रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो 81 to the power 3/4 इंटू b to the power 4 × 3/4, और नीचे क्या हो जाएगा, 256 to the power 3/4 इंटू a to the power 16 × 3/4। ठीक, मतलब ये जो 3/4 है सारा के साथ मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि 2 द पावर में। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला था, ठीक है चेक कर लेना, एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये फोर कैंसिल आउट कर सकते हैं, अच्छा अभी मत कैंसिल आउट कर, उसके बाद एक और एक स्टेप करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे 81 3 to the power 4, 81 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 to the power 4, हाँ जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 27, 3 × 81 होता है। ठीक है, तो ये 4 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 to the power 4 होके 81 आ जाता है × 3/4, तो इसका काम खत्म। अब जो है मल्टीप्लीकेशन में b to the power 4 × 3/4, यहाँ पे हम लोग काटाकुटी करेंगे, दिख रहा है, जरूर दिखेगा। अब देखो 256 नीचे 4 है, 256 नीचे 4 है, तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या होता है, 2 से करो, 2 से करोगे तो 2 × 2 तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 to the power कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 to the power 8 × 3/4 हो सकता है, इंटू यहाँ पे 8 to the power 16 × 3/4। अब कुछ दिख रहा है, जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, समझ में आ रहा है। 4 4 कैंसिल 4 4 कैंसिल, 4 से करो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 से करो ये 16 कैंसिल, तो 4 4 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये नेक्स्ट स्टेप था, इसका नेक्स्ट स्टेप 3 to the power 3 इंटू b to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 × 6 हो जाएगा इंटू a to the power 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब कुछ काम वाम होगा, चेक कर लो, नहीं होगा तो यहाँ पे अब और कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे तुम ऐसे मत रखना आंसर्स को, इसको लिख देना क्या आंसर होगा, 3 का क्यूब मतलब क्या होता है, 3 3 = 9 3 = 27, तो यहाँ पे 27b³ डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 कितना होता है, 64, तो 64 a to the power 12।
तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे 27 BQ इन 27/64 BQ इनटू ए टू द पावर माइनस 12 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही आंसर है क्योंकि बस कुछ नहीं है, ए टू द पावर 12 को ए टू द पावर माइनस 12 हमने लिखा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर माइनस 2b इसका ऑल टू द पावर माइनस 2 इनटू ab टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ए टू द पावर माइनस 2 इसका होल टू द पावर माइनस 2 इनटू बी टू द पावर माइनस 2 इनटू ए टू द पावर माइनस 3 इनटू बी टू द पावर माइनस 3। अब ए के साथ ए का काम करो, बी के साथ बी का, तो ए टू द पावर माइनस 4 इनटू ए टू द पावर माइनस 3 इनटू बी टू द पावर माइनस 2 इनटू बी टू द पावर माइनस 3 काम करो, तो ए टू द पावर माइनस 4 प्लस माइनस 3 इनटू बी टू द पावर माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, चेक करो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना, ए हो जाता है। और यहाँ पे बी टू द पावर माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, तो ए बी टू द पावर माइनस 5 दिस विल बी आवर आंसर। इसको एक और लिख सकते हो, और क्या, ए बाई बी टू द पावर 5 ये भी हो सकता है, ये भी आंसर, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 पार्ट 2। 7 पार्ट 2, 7 पार्ट 2 में देखो, x टू द पावर n इनटू y टू द पावर माइनस m इसका होल टू द पावर 4 इनटू x का क्यूब y टू द पावर माइनस 2 इसका होल टू द पावर माइनस n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x टू द पावर n टू द पावर 4 इनटू y टू द पावर माइनस m टू द पावर 4, मतलब जब भी ऐसा रहेगा ना, अलग अलग कर लेना, x टू द पावर 3 है इसका 2 द पावर माइनस n इनटू y टू द पावर माइनस 2 इसका होल टू द पावर माइनस n। तो इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, x टू द पावर 4n इनटू y टू द पावर माइनस 4n इनटू x टू द पावर माइनस 3n इनटू y टू द पावर प्लस 2n हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस होता है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x के साथ x का काम करवाओ, y के साथ y का काम करवाओ, तो x टू द पावर 4n प्लस माइनस 3n इनटू y टू द पावर माइनस 4n प्लस ऑफ प्लस 2n है, मतलब यहाँ पे 2n ही लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के साथ n, तो 4n माइनस 3n क्या हो जाएगा, x टू द पावर n इनटू y टू द पावर माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि ये होगा, तो लोग बेटा रॉन्ग हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, चेक करो यहाँ पे, चेक करो यहाँ पे हम लोग का क्या है, m, यहाँ पे हम लोग क्या है n, तो काम होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n इनटू y टू द पावर माइनस 4m प्लस 2n दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 7 पार्ट 3। 7 पार्ट 3 में देखो क्या है, 125 a टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 6 यहाँ पे क्या है, माइनस 1/3। तो ऐसा टाइप का सम हम बहुत बार क्या है, अब डायरेक्टली करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब इंटू माइनस 1/3 इंटू ए टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस 1/3, ठीक, नीचे डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 6 इंटू माइनस 1/3। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल, तो आएगा 2। अब क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर माइनस 2। अब y टू द पावर माइनस 2, ये एक आंसर तो हम लोग का हो गया कि 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर माइनस 2, ये तो आंसर हो गया। लेकिन अब तुम सोचोगे कि सर इसको और कैसे लिखा जाए, चलो एक और लिख के दिखाते हैं हम, कि ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 टू द पावर माइनस 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1/5 लिख सकते हैं, ए तो ऊपर है तो ए ऊपर रख दो, y टू द पावर माइनस 2 है, मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, तो y स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, ए वाई स्क्वायर बाई 5, ये भी कर सकते हो। समझ में आया, ये भी इसी का इक्वल है, दिस और दिस ये भी लिख सकते हो, जो ग्रीन से मैंने किया है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 7 पार्ट 4 में देखो क्या है, 32x टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई
243 to the power 5 to the power -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा होल टू द पावर माइनस 1/5। अब देखो यहाँ पे क्या है 32x to the power, तो मतलब 32 क्या है 32 मतलब 2 to the power 5, तो यहाँ से हम शॉर्ट में कर रहे थे ऐसा टाइप का बहुत संख्या है 2 to the power 5 into माइनस 1/5, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन मत देना, साइड बाय साइड एक ब्रैकेट कर देना, ठीक है। डिवाइडेड बाई 243 क्या होता है 3 to the power 5 होता है into 1/-5, अब क्या हो जाएगा into y to the power -5 into 1/5, इसके भी माइनस में, अब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट करो 5 5 कैंसिल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x to the power 1 डिवाइडेड बाई ये माइनस प्लस हो गया है, यहाँ पे 3 to the power -1 into y to the power +1, तो दैट मीन्स ये भी आंसर हो गया कि 2x डिवाइडेड बाय 3 to the power -1y, ये भी एक आंसर है। एक और आंसर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या 2x into ये 3 to the power -1 है तो 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय y, दैट मीन्स 6x/y, ये भी आंसर है हम लोगों का, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मिस्टेक किया है, जैसे कि यहाँ पे माइनस 1/5 था, यहाँ पे 2 to the power -1 हो जाएगा, ठीक है, 2 to the power -1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power -1, तो ये एक आंसर है। और अगर लिखेंगे तो और वाले मैंने क्या सही लिखा है, नहीं सही लिखा है, देखो चेक करो, मेरे साथ रहो, आर्ट से बाहर मत जाओ, जो स्टूडेंट्स को मेरे गलतियाँ दिखता है तुम लोग बेटा यहीं पे हो, जिसको नहीं दिखता है तुम लोग बेटा बाहर हो, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/2y, ये हो जाएगा आंसर, कैसे 2 to the power -1 है तो 2 नीचे चला गया, अब नीचे तो y था तो 2 के साथ y, 3 to the power -1 था तो 3 to the power -1 मतलब 3 ऊपर आ जाएगा, मतलब 1/3 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3/1 हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, समझ में आया। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 to the power -1 होता है तो वो ऊपर आ जाता है, और न्यूमरेटर में माइनस 1 होता है 2 to the power में तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक याद रखना। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 7.5, देखो यहाँ पे क्या है a to the power -2b, इसका 2 to the power half है, यहाँ पे into करो ab to the power -3, इसी का whole to the power 1/3, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो a to the power -2 into 1/2, तो ये तो कट होके सिर्फ a होगा b to the power 1/2, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख रहे हैं क्योंकि हमको YouTube में हर एक स्टूडेंट को टारगेट करना पड़ता है, ठीक है, जो बच्चा इजीली समझ में आ जाएगा उसको भी टारगेट करना पड़ता है, जिसका इजीली समझ में नहीं आएगा उसको भी टारगेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे a to the power -1 into b to the power half into a to the power 1/3 into b to the power -1, अब a के साथ a का काम करो, b के साथ b का, a to the power -1 + 1/3 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे into b to the power half + -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + 1/3, तो उसका क्या हो जाएगा साइड में करो -1 + 1/3, दैट मींस 3 होगा एलसीएम, तो -3 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3, वो हुआ, है ना, तो यहाँ पे a to the power -2/3 into b to the power क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करो ½ - 1, दैट मींस एलसीएम 2, तो 1 - 2 तो क्या -1/2, तो यहाँ पे -1/2, तो यही हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 a to the power 2/3, इसको अगर लिखना चाहते हो वो एक्स्ट्रा स्टेप करना नहीं है, माइनस है तो ये 1 a to the power 2/3 हो जाएगा into 1 b to the power half हो जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो नीचे, मतलब ये तो मल्टीप्लाई में है तो 1 by this लिख ही सकते हो 1 a to the power 2/3 into b to the power half, ये भी लिख सकते हो आंसर, लेकिन ये जो हम पिंक से लिखा है ये लिखने का उतना जरूरत है नहीं, यहाँ पर ही छोड़ दो, तुमको फुल मार्क्स ही मिलेगा। नेक्स्ट जो है देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, चलो 7.6 क्या है देखो चेक करो, 7.6 में है xy to the power क्या है m - n, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में yz to the power क्या है n - l, अब into xz to the power n - m, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो चेक करो x to the power m - n into y to the power m - n, यहाँ पे y to the power n - l into z to the power n - l into x to the power n - m into z to the power l - m, अब क्या करेंगे x के साथ x का काम करवाओ, z के साथ z का, y के साथ y का, that means x to the power m - n, ये x है यहाँ पे, ये x है तो plus l - m, तो जब बाहर में प्लस होता है तो क्या हो जाता है, तो
आंसर हमेशा मतलब इसके अंदर में हमेशा जो साइन है वही रहता है। तो यहाँ पे y टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो m माइनस एन प्लस एल माइनस एल, यहाँ पे इन टू z टू द पावर n माइनस एल, और यहाँ पे है प्लस l माइनस m, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x दोनों का काम करवाया, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, दोनों का काम करवाया, देखो m माइनस एन प्लस एन प्लस एन माइनस एल। अब z यहाँ पे है, बाकी जिसका सिंबल नहीं दे रहे तो वो अपने आप एक साइन बन गया। तो यहाँ पे देखो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, प्लस एम माइनस एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस एन माइनस एन, यहाँ पे एल एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस एल इंटू वाई टू द पावर एम माइनस एल इंटू जेड टू द पावर एन माइनस एम, ठीक है। और ये देखो बीच में माइनस है तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, मतलब एन टू द पावर एक्स टू द पावर एल माइनस एन इंटू वाई टू द पावर एम माइनस एल इंटू जेड टू द पावर एन माइनस एम। तो ये हो जाता है हम लोगों का आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। ये लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, फुल मार्क्स से आएगा, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस बी होल टू द पावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस सी होल टू द पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस ए होल टू द पावर सी माइनस ए, ठीक। यहाँ पे ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स टू द पावर This equals to one तुमको प्रूव करना है, तो हम लोग LHS लेके काम करेंगे, मतलब LHS मतलब जो ये लेफ्ट हैंड साइड का है ये पूरा को लेके काम करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर a, यहाँ पे दोनों में x है तो मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x टू द पावर a प्लस माइनस b इसका होल टू द पावर a माइनस b इनटू यहाँ पे x टू द पावर b प्लस माइनस सी इसका होल टू द पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस माइनस ऑफ ए इसका होल टू द पावर सी माइनस ए, ठीक है। इक्वल टू वन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग LHS लेके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी, यहाँ पे देखो मैंने सारा का प्लस दिया था लेकिन वो सारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डिविजन में है, क्योंकि वो डिवीजन में है, ये बहुत ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस, अल्टीमेटली क्या बनेगा, x टू द पावर a प्लस b होल टू द पावर a माइनस b, तो अल्टीमेटली ये फिर से सब मल्टीप्लाइड होगा, तो फिर से जब मल्टीप्लाइड होगा तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू यहाँ पे x टू द पावर b प्लस c यहाँ पे b माइनस c इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसा टाइप का सम हम लोग किया था कुछ देर पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखो एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। क्यों, कैसे हुआ, देखो यहाँ पे हम लोगों का नीचे डिनोमिनेटर जब मतलब बेसिस जब सेम होता है तो पावर्स आर एडेड, अब फॉर्मूला को रिवाइज करो, हाँ फॉर्मूला से ही हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अच्छा चलो एक ग्रीन लेते हैं, देखो ये प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट माइनस प्लस कट माइनस प्लस कट, अब जब प्लस माइनस में सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है जीरो, तो एक्स टू द पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन, जो कि हम लोग का प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लिख देना कि प्रूफ्ड, ठीक है, ये बंदा ऊपर नहीं जा रहा है, अब गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना कि प्रूफ, समझ में आया, चलो एक और बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे मतलब डिवीजन में था x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस b, तो यहाँ पे अंदर में अगर डिवीजन में होता है तो वो पास क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, तो a माइनस ऑफ माइनस b, समझ में आया, कि यहाँ पे क्या किए b माइनस ऑफ माइनस सी, समझ में आया,
यहाँ पे सी माइनस ऑफ माइनस है, ये एक्स टू द पावर सी माइनस ऑफ माइनस है, तो अंदर में सारा का सारा माइनस हो गया। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे हम लोगों का ये ए प्लस बी हो गया, अल्टीमेटली ये क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, तो ए प्लस बी बाहर में ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन गया, बी प्लस सी बन गया, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे क्या बन गया सी प्लस ए बन गया, तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में व्हेन बेसिस आर इक्वल, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा नहीं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, तो हम क्या किए a plus b a minus b, तो क्या a square minus b square b plus c into b minus c, तो ये formula में आ गया b square minus c square, यहाँ पे c plus a into c minus a, तो मतलब c square minus a square, ठीक। अब क्या किया, when bases are equal to powers are added up, तो simple as that base को put करके powers add कर दो, सारा का सारा देखा कि cut हो गया, तो plus minus के time जब cut हो जाता है तब क्या हो जाता है zero आ जाता है to the power में, तो जो जब zero आता है तो anything to the power zero is one, तो हम लोग का proof हो गया, ठीक है। चलो now moving on to the question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, x टू द पावर 5 प्लस n, तो ये हम लोगों का अभी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे x टू द पावर 5 प्लस n है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस n इंटू x टू द पावर 3 टू द 6n प्लस 2, यहाँ पे x टू द पावर 7n माइनस 2, ठीक। यहाँ पे मैंने ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। अब क्या, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड अप, तो व्हाट वी नीड टू डू, x टू द पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2, एंड यहाँ पे x जो है डिवीजन में है, ठीक है, चलो इसको बाद में करते हैं, इसको भी रहने दो, तो 6n माइनस 2। अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे एड कर लो तो क्या हो जाएगा, n के साथ n करो तो 7n हो जाता है, तो x टू द पावर 7n प्लस 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7n माइनस 2। अब देखो x जो है वो डिनोमिनेटर, मतलब ये डिवीजन में है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं हम लोग, तो x टू द पावर 7n प्लस 7 माइनस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में रखना इसको 7n माइनस 2, क्यों, क्योंकि देखो ये बाद में जो है ना इसका साइन चेंज हो जाता है, बाद में जो है इसका साइन चेंज हो जाता है। अच्छा चलो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7n plus 7 minus 7n minus minus plus 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7n 7n cancel out हो जाएगा, ये plus 7 minus 7n, तो x to the power 7 plus 2 क्या हो जाएगा, x to the power 9, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आया, एक और बार समझ लो, कुछ नहीं किया यहाँ पे, पहले इसका काम करा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई 7n minus 2 है, ठीक है। तो x टू द पावर 5 प्लस n, यहाँ पे बेसिस x था तो पावर्स ऐड कर दिया, तो पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखा, अब डिवीजन था तो हम लोगों के पास फॉर्मूला था कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, तो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे माइनस किया है। उसके बाद देखा कि ये दोनों कट हो रहा है, तो x टू द पावर 9, यहाँ पे ब्रैकेट हमेशा क्यों देना, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन होता है ना तो ये नेक्स्ट वाले का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10।